हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स विद एसके। नेशनल इनकम और बाकी एग्रीगेट पे क्या कनेक्शन है इसको समझने के लिए ये न्यूमेरिकल यूज करते हैं। अब आपको ये न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है। कैलकुलेट जीडीपी एंड एफसी, एनडीपी एंड एफसी एंड जीएनपी एंड एफसी फ्रॉम द फॉलोइंग। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है और ये तीनों एग्रीगेट कैलकुलेट करना है। ठीक, अब आपको इसमें एनएनपी एंड एमपी दिया हुआ है, डेप्रेशन दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, एनएफआई दिया हुआ है। आपको बाकी चीजें कैलकुलेट करना है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना चाहिए कि सबसे बड़ा एग्रीगेट कौन सा है, क्योंकि सभी एग्रीगेट आपस में कनेक्टेड है। तो हम देखेंगे सबसे बड़ा एग्रीगेट दे रखा है हमको एनएनपी एंड एमपी, एनएनपी एंड एमपी हमको दिया हुआ है। राइट, अब हमको एनएनपी एमपी दिया हुआ है, हमें पहुंचना है। से फॉर एग्जांपल हम पहुंच जाते हैं यहां पर एनएनपी एमपी से, हम पहुंच जाते हैं जीएनपी एमपी पर। एनएनपी और जीएनपी में फर्क ही कितना है, जीएनपी वहां पर वो एफसी पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला डिफरेंस हम देखेंगे एन है और ये जीए, यानी कि ये नेट पे दे रखा है और नेट में हमें क्या प्लस करेंगे कि ग्रॉस आएगा। नेट और ग्रॉस में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है कि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो नेट आता है, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि नेट में हम यदि डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ग्रॉस आ जाएगा। तो यानी कि एनएनपी एमपी में हम यदि डेप्रिसिएशन प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, जीएनपी एट एमपी हमें मिल जाएगा। राइट, आर यू समझ में। एनएनपी एमपी में डेप्रिसिएशन प्लस किया तो जीएनपी आ गया। अब इस जीएनपी एट एमपी आने के बाद आपको बताया ये एमपी पर, अब हमें क्या चाहिए, एफसी पर। कोई भी चीज जब मार्केट प्राइस पे दी होती है तो मार्केट प्राइस में से यदि हम मार्केट प्राइस में से एनआईटी को माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वो फैक्टर कॉस्ट पर। किसको मिल जाता है, फैक्टर कॉस्ट पर। अब एनआईटी क्या होता है, एनआईटी का मतलब होता है कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। अब आप इस क्वेश्चन में देखें कि इनडायरेक्ट टैक्स कहां दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स आपको दिया हुआ है 35 और सब्सिडी आपको दिया हुआ है 25। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सब्सिडी आपने माइनस किया, आपको क्या मिला, 10 रुपीज मिला इन नेट इनडायरेक्ट टैक्स। राइट, यानी कि आप इसमें एनआईटी को यदि आप माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एनआईटी को यदि आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा जीएनपी एट एफसी, जो एमपी पे था वो अब एफसी पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एनएनपी एट एमपी का टोटल देखें हम कितना है, 1080 प्लस डेप्रेशन, डेप्रेशन कितना है 150 इसमें प्लस कर देंगे 0583 और ये रहा अपना 1, यानी कि ये 12 1230। राइट, जीएनपी एमपी, एनआईटी कितना आया था, एनआईटी आया था 10 आया था, एनआईटी को प्लस करना है माइनस करना है, चलो ठीक है माइनस किया मैंने, तो ये माइनस किया तो 1220 क्या आया, जीएनपी एट एफसी आया, क्या आया, जीएनपी एट एफसी। अब जीएनपी एट एफसी आ गया, मुझे अब क्या कैलकुलेट करना चाहिए, मुझे मैंने एक चीज तो कैलकुलेट कर ली, जीएनपी एट एफसी कैलकुलेट कर लिया। अब एक काम करता हूं मैं, जो इससे सिमिलर देखू मैं तो जीएनपी एंड एफसी, जीडीपी एंड एफसी भी कैलकुलेट कर सकता हूं। तो इसमें नेशनल में और डोमेस्टिक, ये नेशनल पर है और ये डोमेस्टिक पर है, यानी कि हमको मालूम है कि कोई भी चीज जब डोमेस्टिक पे दी होती है उसमें भी हम एनएफआई प्लस कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, ये बन जाती है नेशनल। और यदि कोई चीज नेशनल पे दे रखी हो तो आप उसमें से एनएफआईए क्या कर देंगे, एनएफआईए यदि आप इसमें से माइनस कर देंगे तो ये किस पर आ जाएगी, ये आ जाएगी डोमेस्टिक पर, ये किस पर आ जाएगी, डोमेस्टिक पर। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कि डोमेस्टिक में एनएफआईए प्लस करते तो नेशनल आता है और नेशनल में यदि एनएफआईए प्लस माइनस करेंगे तो डोमेस्टिक आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें हमें ये नेशनल पे दे रखा है, इसमें से हम एनएफआई माइनस कर दे, एनएफआई यानी कि देश के बाहर की इनकम।
अब देश के बाहर की इनकम यदि इसमें से माइनस कर दी तो ये कहां की इनकम आ जाएगी, देश के अंदर की इनकम जीडीपी एट एफसी आ जाएगी। ठीक, एनएफआईए जी माइनस कर देंगे तो जीडीपी एट एफसी आ जाएगा। अब ये देखिए एनएफआईए हमको डायरेक्ट दे रखा है इस क्वेश्चन में, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसका मीनिंग होता है। तो एनएफआईए -60 आपको दे रखा है और आपको करना क्या है, आपको करना माइनस ही है, माइनस करना है माइनस का 60, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1280। ये क्या आ गया जीडीपी एट एफसी आ गया। क्वेश्चन में दो चीजें होगी, एक चीज तो यहां हो गई और एक चीज दूसरी यहां हो गई। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट कैलकुलेट करना है एनडीपी एट एफसी। क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपी एट एफसी। अब देखिए ये जीडीपी है, ये जीडीपी एट एफसी दे रखा, हमें आना है एनडीपी पर, यानी ग्रॉस पर दिया हुआ है, ग्रॉस से हमें कहा आना है नेट पर। ग्रॉस से नेट पे आना तो क्या करना पड़ता है, ग्रॉस से नेट पे आना है तो ये ध्यान रखिए, ग्रॉस में नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है तो नेट पे आ जाएगी, ग्रॉस से नेट पे आना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, यानी कि हम इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दें तो हम किस पे आ जाएंगे, एन पे आ जाएंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है 150 हमने माइनस कर दिया, इसमें से यदि हम 150 माइनस करेंगे 1280 में से तो हमें कितना मिलेगा, ये रहा 30 और ये रहा 1, राइट 1030, ये रहा एनडीपी एट एफसी। ठीक, तो एनडीपी एट एफसी भी आपने कैलकुलेट कर लिया, जीएनपी आपने कैलकुलेट कर लिया, जीडीपी एट एफसी कैलकुलेट कर लिया। ठीक, तो इससे ये क्वेश्चन करने से हमें तीन चार चीजें क्लियर हुई होगी, और वो तीन चार चीजें क्या है, वो तीन चार चीजें ये है कि नेशनल इनकम जो है, नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट एफसी होता है, ये एनपी पे दे रखा है, तो एनएनपी एट एफसी इसमें से सिर्फ एनआईटी माइनस एनआईटी को यदि हम इसमें प्लस कर दें तो एनएनपी एट एमपी आ जाता है, तो हमें सिर्फ ये देखना मिला कि एनएनपी एट एमपी और जीएनपी में क्या कनेक्शन है, जीएनपी और जीडीपी में क्या कनेक्शन है, या एनडीपी और जीडीपी में क्या कनेक्शन है, या एनएफआईए का क्या रोल है, या एनआईटी का क्या रोल है, या ग्रॉस से नेट पे कैसे आ जाए, ये सारी चीजें आपको एक बार रिवाइज कराने के लिए ये हमने न्यूमेरिकल किया है। ठीक, आपको विषय समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट तो देखना। ठीक, तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे। एक हम इसमें चार पांच न्यूमेरिकल और करेंगे रिलेटेड वाले, जो चैप्टर है आपके नेशनल इनकम के दो चैप्टर है, एक तो है आपका नेशनल इनकम इन रिलेटेड एग्रीगेट और दूसरा है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, यानी कि जो उसकी मेथड वगैरह है, तो हम इसमें से चार क्वेश्चन अभी और हम करेंगे, उसके बाद फिर हम फोर्थ चैप्टर पर जो है जंप करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, थैंक यू।